वर्तमान शासन नायक टीटी नगर के मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय 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 बोलिए। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 बोलिए। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, टीटी नगर टीन सेट दिगंबर जैन मंदिर भोपाल में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनना आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। आप मेरे साथ आप सभी शामिल हो जाएंगे और कहेंगे एक साथ, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित है पूज गुरुदेव का बिहार चल रहा है, उस बिहार की श्रृंखला में आज पूज गुरुदेव बिहार करके टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर टीन सेट महावीर जिनालय में पहुंच चुके हैं जहां से आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं। आगामी जो भी होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। बंधुओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अनेक लोग गुरुदेव जहां पहुंच जाएं, किसी ने पूछा गुणायतन कहां है, बोलो गुणायतन कहां है। अरे जहां गुरुदेव है वही गुणायतन है, वही गुणायतन है, और अनेक लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में हम एक ऐसे सदस्य को बुला रहे हैं जिनके पिताजी गुणायतन से जुड़े थे। वो पिताजी के जाने के बाद उन्होंने बीड़ा उठाया कि पिताजी ने जो घोषणा की है उसे हम पूरा करेंगे। ऐसे परिवार को मंच के निकट बुला रहा हूं। हमारे बीच में स्वर्गीय अशोक जी जैन मुरारिया से, हमारे बीच में उनके पुत्र मां श्रीमती चंद्रलता जी, ज्योति अमित कुमार जी जैन, नेहा आलोक कुमार जी जैन हमारे बीच में हैं। वे आए पूज्य श्री के चरणों में वंदन करेंगे और हमारा गुणायतन परिवार उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। बंधु, हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष जी जखारिया हमारे बीच में जो कि शिरोमणि संरक्षक गुणायतन से, वो आए और इनका अभिनंदन करेंगे। कृपया निवेदन कर रहा हूं पूरा परिवार यहां पर आ जाए और इनका अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक माननीय सुभाष जी जखारिया। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर जितेंद्र जी कृपया आए इस अभिनंदन की कड़ी में, आप अपना सहयोग जरूर देंगे। जोरदार जोरदार ताली बजाकर किस परिवार का हम अभिनंदन कर रहे हैं, पहुंचिएगा अतिशीघ्र। और बंधुओं, इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में श्रीमान दिनेश रेखा जी गंगवाल मुंबई से हमारे बीच में, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। मैं उनसे बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा मंच के निकट आए और उनका अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे दिनेश जी रेखा जी गंगवाल मुंबई से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, राजेश जी भारेल हमारे बीच में, मैं कृपया निवेदन करता हूं आए इनके अभिनंदन के लिए, वो आकर के अभिनंदन करेंगे हमारे दिनेश रेखा जी गंगवाल का। मैं निवेदन करता हूं अगर उन तक, मैं साथ ही निवेदन करता हूं गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री माननीय अनुभव जी सराफ, जिन्हें सौभाग्य मिला है आज पूज गुरुदेव को पड़गाहन करके आहार दान देने का, वो आज इस सम्मान की श्रृंखला में अपना सहयोग देंगे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं और बिना किसी भूमिका के मैं सीधे पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करने के लिए पहुंच रहा हूं कि भो स्वामी, आज के इस शंका समाधान के इस कार्यक्रम को आप ही गति देंगे। निवेदन कर रहा हूं पूज श्री से। दिनेश रेखा जी आ चुके हैं। ओम ओम। बहुत बढ़िया अभिनंदन हो रहा है, बहुत बढ़िया। ओम। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। आज टीटी नगर के इस विशाल प्रांगण में शंका समाधान के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो जुड़े हुए हैं रवि मड़भैया जी और परिवार यहां पर हैं। वे आए और अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी रेखा गंगवाल, जिनका अभी आप सब स्वागत भी कर रहे थे पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भट्ट। ऐसे बंबई से दिनेश जी रेखा गंगवाल। महाराज जी नमोस्तु। मेरा एक सवाल है कि है ना, एक कुत्ता एक प्राणी है, जो कुत्ता एक शब्द है जो घृणा का पर्यायवाची है, वही स्वामी भक्त प्राणी
समय आने पर अपने स्वामी की रक्षा अपनी जान भी दे देता है। स्वामी भक्ति की प्रशंसा होना चाहिए या इस प्राणी को घृणास्पद संबोधन? क्या कुत्ते के प्रति ऐसा व्यवहार मानवीय कृतज्ञता नहीं है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कुत्ते की वफादारी का सत्कार होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुत्ते को दुर्दुराया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुत्ता को इसलिए दुर्दुराया जाता है कि कुत्ते में एक दो बड़ी कमियां हैं। पहली कमी तो ये, वो अपनी जाति से लड़ता रहता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर गुर्राता ही रहता है, अपनी जाति से लड़ता है। और दूसरा, कुत्ते को पत्थर मारो ना जी, तो मारने वाले की तरफ भागने की जगह पत्थर की तरफ भागता है जी। ये दोनों ऐसी कमियां हैं जो कुत्ते को कुत्ते ही बना के रखता है जी, शेर नहीं बनने देता जी। तो बस जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी दुर्बलताएं होगी जी, वो समाज में सम्मानपूर्ण स्थान नहीं बना सकता जी। जैसे कुत्ते का सम्मानपूर्ण स्थान नहीं है जी, वैसे ही ऐसे व्यक्तियों का भी, मैं उपमा तो नहीं दूंगा जी, लेकिन सम्मानपूर्ण स्थान नहीं हो सकता ऐसा जी। जी महाराज, नमस्ते महाराज। दिनेश जी, मुनि श्री प्रणाम, सागरी मुनिराज की जय हो। दिनेश मुनि निर्वेक सागरी महाराज की जय हो। मुनि संदान सागरी मुनिराज की जय हो। सभी मुनि सागरी की जय। सब प्रश्न है, आज से 10-15 साल पहले 20 से 25 साल शादी की उम्र हुआ करती थी, वो बढ़ के अभी 25 से 30, 30 से 35 हो गई है। मैं चाहूँगा कि आप इस मंच से कुछ ऐसा करें जिससे हम लोग, आपके द्वारा हमने सुना है कि देर शादी के कितने दुष्परिणाम हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके मुख से कुछ ऐसी चीज़ हमें। आपने बहुत ही सामयिक बात रखी, क्योंकि आजकल उच्च शिक्षा का दौर चल पड़ा, उच्च शिक्षा के बाद नौकरी करना भी जरूरी है। साल दो साल लोग नौकरी करना चाहते हैं, उसके बाद लोग विवाह की बात सोचते हैं, 25 के पहले तो सोचते ही नहीं। और उसके बाद के जो कुपरिणाम सामने आ रहे हैं, उनमें दो बातें बहुत गंभीर है। पहली तो ये कि लेट मैरिज के पीछे संतानोत्पत्ति में बहुत दिक्कतें होती हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और दूसरा, ये सब चिकित्सक भी बोलते हैं, और दूसरी बात, आपस में ईगो क्लेश ज़्यादा होता है। आज तलाक के कारणों में एक बड़ा कारण ये भी है, हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह कन्या का होता है और कन्या 20-22 साल तक होती है, उसके बाद तो वो परिपक्व युवती बन जाती है। दाम्पत्य जीवन तभी सफल होता है जब सभी लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जिए, एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के जिए। पर जब ज़्यादा पढ़ लिख जाए, अच्छा पैकेज खाने पाने लगे और किसी पर डिपेंडेंसी ना हो, उम्र भी परिपक्व हो जाए, तो वहाँ अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आता है तो हमारे संबंधों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है, और जहाँ ये दीवार होगी वहाँ रिश्तों में दरार। इसलिए इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। और यदि इन बातों का अनुकरण करेंगे तो जो आजकल बहुत तरह के भटकाव हो रहे और बिखराव हो रहे, दोनों से बचा जा सकेगा। हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और बच्चों को ये बात अच्छे से समझाना चाहिए कि जीवन साथी का चुनाव एक साधारण निर्णय नहीं है, पूरे जीवन को निर्वाध आगे बढ़ाने का संकल्प है। उसके लिए पूरी समझ होनी चाहिए, वैसी समझ लेकर के चले और अनुभव के साथ चले तो बहुत बहुत अच्छे परिणाम आएंगे।
आज सब में स्वतंत्रता की बात आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जो परिणाम आ रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। माँ बाप जैसे तैसे विवाह करते हैं और थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो माँ बाप के पास अपना सिर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं बचता और उनका भी कैरियर चौपट हो जाता है। तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। युवक युवतियों को ये बात अच्छे से समझाना चाहिए और उसे तथ्यों के आधार पर समझाना चाहिए। केवल धर्म की बातें, समाज की बातें या शास्त्रीय बातें कहने से उनको समझ में नहीं आती, लेकिन जब इन बातों को हम तथ्यात्मक तरीके से बताएं तो बहुत फर्क पड़ता है। मुझे एक चिकित्सक ने बताया कि दुनिया में इस बात पर बहस चालू हो गई कि लेट मैरिज रुकना चाहिए। ये बहस बहुत तेज़ी से हो गई। तो ये तथ्य है, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। हम लोगों को बताएं, हमारे यहाँ कहा है कि उम्मुक बाल भावे नवंग परिपुण्य। कन्या जैसे ही बाल भाव से मुक्त हो जाए, जिसके नवंग परिपूर्ण हो जाए, वह विवाह के योग्य हो गई। बाल विवाह का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं, उसका निषेध है। पर उस उम्र के पड़ाव को टच करके अगर करे तो परिणाम। एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। मुंबई में रह करके भी बहुत सात्विकता के साथ, गुरु भक्ति के साथ अपना जीवन बिताते हैं। अब मैं आज इस सभा में कुछ अपने शासन और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें आमंत्रित करूँगा। और यहाँ की जो कमेटी है, अमर जैन जी और कमेटी मनोज जी बांगा आदि, उनका वहीं पर दुपट्टा से स्वागत कर देंगे ताकि समय की बचत होगी। पवन कुमार जी जैन, IPS रिटायर्ड DG, जो यहाँ पर DGP पद पे अभी जो उपस्थित है, पवन जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे। उसके बाद में शोभित जी जैन IAS भोपाल, वे तैयार रहेंगे। पवन भाई अपना प्रश्न रखेंगे, उसके बाद शोभित जी जैन है। नमोस्तु, महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मेरे दो सवाल हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर हैं। महाराज जी, जिस तरह का प्रश्न के बाद, हाँ, जिस तरह का अभी जो संदर्भ आ रहा है कि पूरी दुनिया में तापमान बढ़ा है और एक बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की हुई है, उसमें जंगल कट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में हरियाली कम हो रही है। भोपाल से लेके न्यूयॉर्क तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरे दुनिया में हम लोग अनुभव करते हैं कि हिमखंड पिघल रहे हैं। और अगर इसी तरह तापमान बढ़ा तो वैज्ञानिकों का अनुमान ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य अंधकार में होगा। पूरी दुनिया को समाप्त होने का खतरा 30-40 साल के बाद इतना टेम्परेचर होगा 50 डिग्री के ऊपर कि उसमें सर्वाइवल की दिक्कत आएंगी। तो जो पंचतत्वों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है उस पर कैसे विराम लग सकता है? दूसरा सवाल मेरा और इससे थोड़ा सा दर्द है कि 80 साल पहले विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद अब हम दौर देख रहे हैं कि जब यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है और वहां परमाणु बम का खतरा है, इसराइल और हमास के बीच में युद्ध है और चीन ताइवान पर आंखें गाये गड़ी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चाहे वो UN हो या अन्य, वो अप्रासंगिक हो गई हैं और शांति की बात कोई नहीं सुन रहा। पूरी दुनिया में अगर शांति और अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है तो भगवान महावीर ने जीने के माध्यम से। ऐसा क्या रास्ता हो सकता है महाराज कि ये तीसरा विश्व युद्ध टले और वर्तमान में जो दौर अराजकता का चल रहा है उस पर शांति आए? एक बार जोरदार करतल धनुष से पवन जी का अभिनंदन कर दे। मैं समय बचा रहा हूँ क्योंकि आज बहुत है, इसी अभिनंदन को इनका अभिनंदन मान लीजिए। जिसका भी होगा क्रम से मैं ऐसे ही करूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ महाराज जी के पास सूची बड़ी है और एक के साथ जब एक फ्री हो जाएगा प्रश्नों में तो दिक्कतें होगी, इसलिए मैं टाइम बचा रहा हूँ। एक बार आप सभी अभिनंदन कर लें और अभिनंदनकर्ता बैठ जाए। चलिए, आप खड़े रहे पवन जी। बहुत ही अच्छा सवाल आपने अभी, प्रासंगिक सवाल उपस्थित किया। सबसे पहला जो सवाल है, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपनी चिंता का, इसका एक ही समाधान है। हमें पूरे विश्व में एक अभियान चलाना है, वो है लोगों को प्रकृति से जुड़ने का। यदि व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ले आए तो जो प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है उसे हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। दूसरा, मुझे अभी किसी ने बताया कि विश्व की वर्तमान स्थिति को देखते हुए
संपूर्ण विश्व में 5,00,000 करोड़ वृक्षारोपण करने की जरूरत है। ऐसी जानकारी मुझे किसी ने दी, 5,00,000 करोड़ वृक्ष पेड़ लगाना। हम उसकी शुरुआत करें, पहल करें। ये केवल जैन समाज की बात नहीं, हर व्यक्ति को। आज भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाए तो हम 1400 करोड़ पेड़ तो लगा सकते हैं। हम एक दूसरे को प्रेरणा दें। 5,00,000 करोड़ के लिए 1400 पर 1.4% ही है, लेकिन ये भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और यदि हम प्रतिवर्ष ऐसा करते रहें तो आने वाले 20 सालों में हम काफ़ी कुछ परिवर्तन अकेले भारत और भारतीयों के द्वारा कर सकते हैं। हमें एक सबसे बड़ी विडंबना ये दिखती है कि हमारे लोग जब ऐसे मौके आते हैं चर्चाएं तो करते हैं, अनुकरण नहीं करते। हमें चाहिए कि हम चर्चाओं का अनुकरण करें, इस पर गंभीरता रखें। आज इस सभा के माध्यम से मैं आप सबसे कहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले भी कहा, विदिशा से ये मुद्दा रोज उठ रहा है, ये रोज उठना चाहिए, कोई हानि नहीं है। इस बार मानसून आने के बाद लोग तय करें कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, अगुवाई करें, सारी महिलाएं, सारे युवा और समाज के विभिन्न संगठन आगे आए और शासन से इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह करें, सरकार भी इसके लिए नीति बनाए, तो एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सके। ये मानता हूँ कि आज अगर हम कुछ करेंगे तो उसका नतीजा 20 साल बाद होगा, लेकिन 20 साल आज हमने किया तो 20 साल की बाद की भयावहता को आज हम संभाल लेंगे। यदि 20 साल पहले की पीढ़ी ने ऐसा किया होता तो ये सवाल नहीं होता। तो ये तो हुई ग्लोबल वार्मिंग के विषय में। लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लग्जीरियस सोच बदलनी चाहिए और कुछ चीज़ों में जो पॉल्यूशन को बढ़ा रहे उन पर नियंत्रण करना चाहिए। आज जो वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग है उस पर भी विचार करना चाहिए। क्या भारत में सिंगापुर जैसा मोड नहीं लाया जा सकता? सरकार स्तर पर इसे विचार करना चाहिए। आज एक एक घर में 4 आदमी 8 गाड़ियां हैं, ये सब क्या है? इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी जरूरत नहीं है वो भी आज लोग अपने स्टेटस के नाम पे चला रहे, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इस पर सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, गंभीरता से विचार कर, ये शासन का कर्तव्य है। कहने को वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बहुत काम करता है, लेकिन उन तक अपने सुझाव जाने चाहिए, कॉन्क्रीट नीति बनाकर, और पूरे देश की जनता को इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित में है, हमारे पीढ़ियों के हित में है। जब जलवायु ही खराब होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? एक प्रकृति का अंधाधुंध दोहन भी रुकना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की तत्परता दिखाते हैं तो इसके परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे आएंगे। दूसरी बात जो आपने कही, क्या बात थी? तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। हाँ, तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका है, ये आशंका हमेशा बनी रहेगी, पर यह भी तब दूर हो सकती है जब हम लोगों के भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति लाए, आत्मवाद का विस्तार दें, भगवान महावीर के संदेशों को बताएं, लोगों के हृदय में वैचारिक सहिष्णुता और संवेदनशीलता को विकसित करें, तभी हम विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। ये सब घोर असहिष्णुता और असंवेदनशीलता का परिणाम है। यदि लोग आध्यात्मिक और व्यापक दृष्टि से देखें, अनेकांतवादी दृष्टिकोण अपना ले, तो विश्व में ये समस्याएं नहीं आ सकती। इसके लिए भी उपक्रम करना चाहिए और भारत जैसे राष्ट्र को इसका नेतृत्व करना चाहिए, ताकि विश्व में विश्व युद्ध की काली छाया न पड़ सके और सारा संसार सुरक्षित। सोभी जी जैन IAS अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में राजेश जी जैन IAS रिटायर्ड। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जैन धर्म से संबंधित है। गुरुदेव, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि इतिहास में और गूगल पे यदि आप देखने जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति महावीर स्वामी से हुई है, और जैनेतर समाज में ये बहुत सारा भ्रम रहता है। चूंकि महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गौतम बुद्ध जब थे उसी समय जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो गुरुदेव, समाज की तरफ से, समितियों की तरफ से, और हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए कि जैन धर्म की उत्पत्ति
ये बताने में लोग सक्षम हो जाएंगे। ये चीज पिछले 40 वर्षों से चर्चा का विषय, इस दिशा में काफी काम हुआ। दिल्ली में एक डॉक्टर एक हृदय राज जैन थे जिन्होंने ऋषभ देव फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपने टीम के साथ बहुत काम किया और इसका ये सुपरिणाम निकला कि यूपीएससी में जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभ देव स्थापित हो गए। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी भी मध्य प्रदेश की पीएससी में जैन धर्म के संस्थापक संभवतः भगवान महावीर ही हैं। दिल्ली और भोपाल का ये अंतर। कुछ लोग अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण ये स्वीकार करने में बड़ा संकोच करते हैं, जबकि इसके सारे तथ्य और प्रमाण हैं। सवाल ये नहीं कि कौन पुराना और कौन नया है। मेरी स्पष्ट अवधारणा है कि जो पुराना है वो अच्छा हो, नया है वो खराब, ऐसी बात नहीं है। पुराना भी खराब हो सकता है, नया भी अच्छा हो सकता है। लेकिन जब इतिहास की बात हम करते हैं तो इतिहास को इतिहास की तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतिहास विलोपित नहीं होना चाहिए। जैन धर्म जैन परंपरा के अनुसार अनादि अनिथर है, लेकिन जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव थे, इसके पर्याप्त प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध है। किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा, जिनका नंबर नहीं आया वो कल के लिए प्रतीक्षा कर कि किसी भी परंपरा के इतिहास पर विचार करने के लिए हमें तीन सिरे से विचार करना चाहिए, एक साहित्य, दूसरा पुरातत्व और तीसरा अभिलेख। जब हम साहित्यिक स्रोतों पर विचार करते हैं तो भारत में सबसे प्राचीन साहित्य है ऋग्वेद, जो ईसा पूर्व 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया। ईसा पूर्व 1500 वर्ष तक का काल वैदिक काल कहलाता, उससे पहले का कालखंड प्राग वैदिक कहलाता। ऋग्वेद की रचना से पूर्व का काल प्राग वैदिक और ऋग्वेद की रचना काल से वैदिक काल शुरू होता। आप सबको सुनकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुति परक वर्णन है, उल्लेख है। और ये बात जैन नहीं, अनेक प्राच्य और पाश्चात्य अजैन विद्वानों ने लिखी। इसके अलावा अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी भगवान ऋषभ देव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का वर्णन। दूसरा है पौराणिक साहित्य, भागवत से लेकर विष्णु पुराण, कुन पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण जैसे अनेक पौराणिक ग्रंथों में भी भगवान ऋषभ देव के जैन धर्म के संस्थापक के रूप में मान्यता है, उन्हें स्वीकार किया गया। तीसरे क्रम में आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग, जो भगवान महावीर के पूर्व रचा गया है। उसमें भी भगवान ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक निरूपित किया गया है। दाढ़ावंशो नाम के एक ग्रंथ में तो उसहम पवरम वीरम लिखा, उसहम यानी ऋषभ देव को प्रवर और वीर कहा, ये प्रमाण है। तो ये तो साहित्यिक संदर्भ आपके सामने रखा। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में गिना जाता है। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है मोहन जोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। 1910-11 के आसपास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तात्कालिक डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा के निर्देशन में उसका उत्खनन हुआ। उस उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें भगवान ऋषभ देव के अनेक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, उसमें अनेक मुहरें प्रकट हुई।
और उसमें FGH449 उस मुहर में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग की मुद्रा अंकित है और वहीं उनका चिन्ह बैल भी बना हुआ है और चक्रवर्ती भरत उनको प्रणाम कर रहा है। प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने, डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा ने अपने शोध ग्रंथ सिंध 5000 एगो में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि स्पष्टतया ये जैन तीर्थंकर की मुद्रा है। दूसरा हड़प्पा, हड़प्पा उससे 500 साल बाद का माना जाता है, लगभग समान माना जाता है। हड़प्पा के उत्खनन से एक नग्न मानव धड़ प्राप्त हुआ जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, गर्दन से नीचे और नीचे कमर से नीचे ऊपर का सारा भाग उनका है। उसमें दिगंबरत स्पष्ट दिखता है। उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल, ASI डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मिस्टर टी एन रामचंद्रन, उनकी एक शोध कृति है हरप्पा एंड जैनिज्म। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ये स्पष्टतया जैन तीर्थंकर की मूर्ति है और ऐसी ही हूबहू प्रतिमा बिहार के पटना में एक लोहानीपुर है, वहां से भी ऐसी ही की ऐसी प्रतिमा वैसा ही नग्न मानव धड़ मिला जो वहां मिला। बस ये है, ये ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी की है और वो ईसा पूर्व आपके जाकर के 2000 वर्ष ईसा पूर्व 2000, आज से 3500-4000 वर्ष पुरानी बात। तो ये पुरातात्विक अवशेष इस बात को बताते हैं कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे। इन्हीं आधारों पर अनेक विद्वानों ने अपना अभिमत प्रकट किया। एक और मैं बताऊं फिर बात करता हूं। अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग में भुवनेश्वर के पास जो कुमारी पर्वत है वहाँ एक 84 पंक्ति का शिलालेख है जो सम्राट महामेघवाहन एल खारवेल के द्वारा निबद्ध किया गया ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में। एल खारवेल एक बड़ा प्रतापी राजा था। कलिंग में भगवान ऋषभदेव की एक प्रतिमा थी जिसे कलिंग जिन के नाम से जाना जाता था। वर्षों से लोग उसे पूजते थे, भगवान महावीर के पहले से उनकी पूजा अर्चा होती थी। नंदवंश की राजधानी उन दिनों उज्जैनी थी। नंदवंश के राजा सभी जैन धर्मावलंबी थे। अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में नौमानंद राजा, जो नौमानंद था, उसने कभी कलिंग पर चढ़ाई की और वहाँ से कलिंग जिन को उठाकर ले आए। कलिंग के लोग असमर्थ थे इसलिए उस समय वो कुछ कह नहीं पाए। मैं इतिहास की बात कह रहा हूँ, कोई किस्सा नहीं है। उस समय कुछ कर नहीं पाए लेकिन उसके बाद लगभग 150-200 वर्ष बाद कलिंग में एक प्रतापी राजा हुआ जिसे कलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन खारवेल के नाम से जाना जाता। उसे पता लगा और मगध का साम्राज्य पुष्यमित्र के अधीन आया। पुष्यमित्र मगध नंदवंश के बाद राजा बना मगध का। मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र चले गए और जब कलिंग के लोगों को पता चला कि हमारे पुरखों की धरोहर को नंदों ने हर लिया है तो एल खारवेल ने सदल बल पूरे मगध पर चढ़ाई की, पुष्यमित्र को पराजित किया, उसे बंदी बनाया और भगवान ऋषभदेव को गजरथ पर बिठाल करके कुमारी पर्वत ले गया। वहां मुनियों का महासम्मेलन कराया, वहां उनकी प्रतिष्ठा की, वहां अनेक मुनियों के रहने लायक गुफाएं बनाई कुमारी पर्वत में। और वहीं 84 पंक्तियों का यह अभिलेख है जिसकी शुरुआत नमो अर्हंतानम नमो सब सिद्धानम से। आप लोग पढ़िए, नेट पर सब चीज़ें उपलब्ध है।
हाथी गुफा कुमारी पर्वत पर हाथी गुफा का लेख, वो इस बात को प्रमाण करता है कि ऋषभदेव की पूजा अर्चा भगवान महावीर के काल में भी हुआ करती थी। इन्हीं आधारों पर डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन में ये बात लिखी कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है, भगवान महावीर के काल में भी उनकी पूजा अर्चा होती थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी कृति हिंदू सभ्यता, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जैन धर्म का इतिहास ताम्र युगीन शैव परंपरा से आगे चला जाता है और यह स्पष्टतया प्राग्वैदिक होता है। अनेक विद्वानों ने इस बात पर अपना मंतव्य प्रकट किया है, समय काफ़ी हो रहा है। जिन्हें इस विषय में विस्तृत जानकारी चाहिए, हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें हमने इन सारे साक्ष्यों को कोट किया है। 25 पेज में आपको पूरा इतिहास पता लग जाएगा। आपको चाहिए कि आप इतिहास पढ़ें और कहीं कोई सवाल हो तो बहस करने की जगह उनके समक्ष तथ्य प्रस्तुत करें। हम लोग बिना जानकारी की बात करते हैं और तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जो हमारे मनोमालिन्य को बढ़ाता है, इसलिए हमें बहस न करके तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जी ने आइए अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में रक्षा जी दुबे उपायुक्त GST तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जीवन एक संघर्ष है और इस जीवन संघर्ष में कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। जो लोग असफल होते हैं वो किस्मत को दोष देते हैं। क्या जैन दर्शन में किस्मत जैसी कोई चीज है? देखो, किस्मत तो सब दर्शन में। अरे, आपकी किस्मत है कि आपका नंबर आ गया। थोड़ा ज्यादा नंबर हो जाता है तो शायद आप रह जाते। आज बहुत लोग अपने किस्मत को कोसने वाले मुझे दिख रहा है। एक बार सभी का अभिनंदन कर दीजिए, समझिए। हाँ, जिनका किस्मत लग गया सो लग गया, वो रन दो जितना। अभी चलेगा, अभी तो रोज चलना है, जाएंगे कहाँ ये लोग है ना। तो बात ये है, किस्मत होती है, किस्मत को नकारो मत, पर किस्मत के भरोसे मत बैठो। मेरे किस्मत में क्या लिखा है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता होना चाहिए। जो करना है वो कर डालो। हो सकता है पर्याप्त प्रयास के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार लो, लेकिन पहले से किस्मतवादी बनकर निठल्ले मत बनो। पराक्रमी बनो, पुरुषार्थी बनो, तब आगे बढ़ पाएंगे। चलो आगे। रक्षा जी दुबे उपायुक्त GST और उनके साथ में कृपा शंकर जी चौबे सदस्य बाल किशोर न्यास बोर्ड। कहाँ वे? अपना एक साथ आ जाए। एक बार जोरदार तालियों से इन दोनों प्रतिनिधियों का स्वागत कर दें। प्रणाम गुरुदेव। प्रशासनिक क्षेत्र में हूँ तो कई बार ये जानते हुए भी कि हम कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं, बड़ी बाध्यता हो जाती है, व्यावसायिक बाध्यता होती है, जानने के बाद भी कि कुछ कर्म ऐसे हो रहे हैं जो ठीक नहीं हैं, तो एक तरह से वो भी भाव हिंसा है और वो बड़ी देर तक पीछा करती है। तो एक तो उसका, उससे कम से कम हो वो, उसका कोई उपाय हो तो, और जो हो जरूरी है करना उसके लिए कैसा प्रायश्चित। बहुत बहुत गंभीर सवाल आपने किया। ये समस्या हर किसी संवेदनशील अधिकारी के मन में आती है। अच्छा है कि आपके मन में है, नहीं तो बहुत आयत लोग इन सब बातों पर विचार ही नहीं करते। मैं आपके माध्यम से आप जैसे सभी अधिकारियों को एक संदेश दूंगा कि एक बात ध्यान में रखें, कोई भी काम करें, समाज के लिए विधान है, विधान के लिए समाज नहीं। जो नियम कानून है वो समाज के लिए, समाज उनके लिए नहीं है। अगर नियम कानून को पालन करना आपका दायित्व करे, लेकिन आप इस बात को अपने विवेक के साथ जोड़कर देखें कि नियम किस लिए बनाए गए।
समाज की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए। तो यदि हमारे नियमों के कारण अव्यवस्था बिगड़ रही है, अव्यवस्था हो रही है, तो एक कुशल प्रशासक की यही समझदारी है कि अपनी कुशलता का परिचय दे और गली निकाल कर निकल जाए। लेकिन लीगी बन जाए तो हो सकता है कई जगह उसे संवेदनहीनता का परिचय देना पड़े और कई जगह उसके ऊपर अमानवीय व्यवहार का कलंक भी लग जाए। तो हर अधिकारी के हृदय में एक आत्मा है, उसे संवेदनशील बना के रखना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा से विमुख नहीं हो, अनाचार का समर्थन न करे, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां अपना काम जरूर करे। प्रणाम। कृपा शंकर जी कह रहे हैं। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि इन दिनों हम देख रहे हैं समाज में विवाह के पूर्व जो फोटो शूट हो रहे हैं, एक बड़ी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जा रही है और बहुत आगे तक की चीजें उसमें दिख रही हैं, तो ये किस प्रकार समाज में प्रभाव डाले और इससे किस प्रकार बच सकते हैं? ये बिल्कुल पश्चात सभ्यता का अंधानुकरण है। विवाह के पूर्व सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इससे हमारी मर्यादाएं तार तार होती है। प्री वेडिंग शूटिंग्स होती है और महिला संगीत में बड़े बड़े स्क्रीन्स पर इनको दिखाया जाता है। समाज के बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे रहते हैं, परिवार के भी बड़े सदस्य रहते हैं, मर्यादाओं का खुला उल्लंघन होता है। फिर लोग कहते हैं हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती, तो क्या होगा? आपने तो अपनी मर्यादा की होली खुद जलाई, इसके जिम्मेदार आप। इन सब पर रोक लगना चाहिए। आज भी ऐसे अनेक परिवार हैं जो ऐसी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते, उन्हें गौण करते हैं और जीवन आगे। विनोद जी जैन MPT और उनके बाद में तैयार रहेंगे संदेश जी जैन एडिशनल SP भोपाल। महाराज जी के चरणों में समस्त MPT परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल के अंदर पहले भक्तामर स्त्रोत 12 भावना आदि तो इसके अंदर डाउनलोड कर रखी थी, परंतु आज टेक्नोलॉजी में जिनवाणी माँ की भी PDF फाइल आ गई हैं और प्राय सभी लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार जिनवाणी माँ PDF फाइल के अंतर्गत डाउनलोड कर रखी है। और चूंकि मोबाइल हमारे साथ में सदैव रहता है, अच्छी जगह बुरी जगह शुद्ध अशुद्ध सभी जगह जाना आना होता है, तो क्या इसका हमको दोष लगता है और इसके अंदर PDF फाइल में सरस्वती जिनवाणी माँ को नहीं रखना चाहिए? देखिए, आप अगर डिजिटल जिनवाणी रखे तो कोई हानि नहीं, लेकिन वो जिनवाणी हो मोबाइल नहीं, आपको रखना है तो दो गजट रखे। आप मोबाइल से बात करते मुंह में लगा के करते, क्या आप जिनवाणी को मुंह में लगाओगे? मोबाइल रखते हैं अपने पीछे की जेब में रखते हैं, क्या रखोगे मोबाइल? जिनवाणी को रखोगे? मोबाइल आप टॉयलेट में ले जाते हैं, क्या जिनवाणी को टॉयलेट में ले जाएंगे? ये जिनवाणी का एक नया फॉर्म है, पहले ताड़पत्रों में होता, ताम्रपत्रों में होता, ताड़पत्रों में होता, फिर कागज़ के हस्तलिखित हुए, फिर मुद्रित भी हुए तो अलग तरीके से छापे गए, और उसके बाद अब डिजिटल फॉर्म में आ गया। उसे एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन जिनवानी मान कर कीजिए। एक एक एक्स्ट्रा रखिए ना, ऐसे भी दो मोबाइल तो तुम लोग रखते ही हो, एक रखो इसके लिए और उसका प्रयोग केवल शुद्धि के साथ करो, अन्यथा जितना पुण्य कमाओगे उससे ज्यादा पाप होगा जिनवानी की असाधना का। और जो जिनवानी की असाधना करेगा वो घोर अज्ञानी बनेगा, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। नमस्ते। विद्या प्रमाण सर्व मंडल भोजन समिति, कल जैसा संकट समाधान में बताया था, समय कम होने से इनका प्रश्न कर लिया। अरविंद, हम लोग बोल क्या पूरे लोग एक साथ खड़े हो जाएं और एक जना प्रश्न कर ले। गुरुवर विद्या प्रमाण भोजन सर्व मंगल समिति की तरफ से नमोस्तु वंदन। कल गुरुवर क्या हुआ कि हम लोगों ने मंच पर अपने विद्या प्रमाण सर्वमंगल भोजन समिति का लोकार्पण किया। गुरुदेव, विगत 3-4 सालों से हम ये भोजन की व्यवस्था संभाले हुए हैं, मगर क्या होता है, परंपरागत हम गुरुवर देखते हैं कि हम काम तो अच्छा करने जा रहे हैं, मगर वहाँ पर निराशित और आश्रयहीन लोग आते हैं। वो कभी कभी मन बड़ा विदुषी होता है, वो लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हम लोग कभी लाइन में लगवाते हैं, कभी हम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं तो हमारे मन में ऐसे क्रोध भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा कहते हैं, मन बहुत संभालते हैं उस समय। देखो, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। प्रसंग मध्य प्रदेश में विदिशा आपके बाजू में, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और वहाँ के कुछ समाज सेवक स्टेशन में हर ट्रेन में पानी पिलाते, हर अब तो पिलाते नहीं पिलाते मैं दो अभी भी चलता। वहाँ के एक लब्ध प्रतिष्ठित
सज्जन थे विजय करण जी पाटनी, एक शख्सियत, वो भी पानी पिलाने जाते बुजुर्ग आदमी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या अनुभव है, बोले महाराज हमारी तपस्या होती है क्या, बोले महाराज हम लोग पानी पिलाने जाते हैं ना तो हम लोगों को भी नौकरी मान लेते हो, ऐ ठंडा ला और ला। और बोले महाराज जी जब वो लोग ऐसा बोलते हैं ना तो हमको लगता है हम तप कर रहे हैं सेवा में। बस उसी आदर्श को अपनाओ, छुप मत हो, वो बोलेंगे तुम सुन लो, ये तुम्हारी तपस्या बनेगी, इसी में कर्मों की निद्रा। जी गुरु जी नमस्ते। तैयार रहेंगे अनूप जी जैन IRS। महाराज जी तो हम लोगों की भी आदतें बिगड़ जाती हैं और ऐसा बहुत बार संभव नहीं होता कि हम छोटी जगह पर रुक पाएं, तो हमने महाराज जी ये अनुभव किया है कि हमारी दिगंबर परंपरा जो हमारी धारा है उसमें बहुत अच्छे अतिथि गृह हमारे नहीं है महाराज जी, और हमारे समाज में इतने बड़े निर्माण हो रहे हैं अरबों खरबों रुपए के, तो महाराज जी समाज इस दिशा में क्यों कार्य नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मांसाहारी भोजनालय वाले होटलों में ना रुकना पड़े। बहुत सुंदर बात आपने प्रस्तुत की है और इसकी पहल तो होनी चाहिए, और भोपाल में भी कुछ तो हुई है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ये समाज की आवश्यकता है ना, इस पर विचार करके। चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ कि सबके सामने इतने बड़े बड़े होमवर्क है, उसी के दबाव में है, तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि सबसे पहला लक्ष्य है, यहाँ बैठा हूँ तो जितने लोग टीटी नगर के मंदिर से जुड़े हैं पहला काम तो ये करो कि टीटी नगर का ये मंदिर शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो, अधूरा ना हो, समय रहते पूरा हो। जिन दातारों ने अपनी दान राशियाँ पहले बोली है वो अपनी राशि जल्दी जमा करें और जितनी शेष राशियाँ हैं वो भी जल्दी पूरी करें, और ये लक्ष्य बनाएं कि नवंबर तक पंचकलानक हो जाए, ये आपको करना होगा और उसके लिए सबको जुटना होगा, मंदिर बनाने का सुयोग बना है। मैं जानता हूँ कि टीटी नगर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अकेले पूरा मंदिर बनाने में सक्षम है, बस आपको अपना हृदय खोलने की ज़रूरत है, ये कार्य करें। और एक मैं पूरे आवाम से कहना चाहूँगा, अभी एक लक्ष्य रखिए, भोपाल वालों की जिम्मेदारी है कि गुरुदेव ने जो आपको दिया है उसके उपकार को आप तभी चुका सकेंगे जब उनके द्वारा छेड़े गए अधूरे काम को आप पूरा करो, और ये पूरा तभी होगा जब आप उदारता से आगे आएंगे, अपनी उदारता का परिचय देंगे। तो सभी लोग अपनी उदारता का परिचय दें, और उदारता का परिचय देते हुए मैंने पहले दिन कहा था आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा संकल्प लेना है कि हबीबगंज के जिनाले के कलशारोहण होने तक अपनी आमदनी का 5% हबीबगंज मंदिर के लिए समर्पित करना। मैंने कल भी संकल्पित कराया था, मैं देखना चाहता हूँ आज कितने लोग हैं जो इसके लिए संकल्पित होना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाए कि अपनी आय का देखो कम से कम 10% दान देना चाहिए, 5% जमाने में करो, 5% हबीबगंज में, तो साल भर में मंदिर बन जाएगा, काम क्या है, दिखाइए, उठाइए थोड़ा सा हाथ, इतना संकोच, इतना भी आप योगदान नहीं दे सकते, जिंदगी भर लिया तुमने और देने की बारी आई तो इतना संकोच। महाराज जी हमारे भाई हाथ उठवा रहे हैं। हाँ मैं अपनी समाज से निवेदन करूंगा कि सब लोग हाथ उठा के, और निश्चित नहीं मैं संशोधन करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ टीटी नगर वालों की पहली प्राथमिकता यहाँ की है, तो पहले टीटी नगर के लिए हम तन मन धन से संकल्पित रहेंगे। कितने लोग हाथ उठा रहे, उठाइए, उसमें भी तो पूरे उठा दो, हाथ बांध के काय रखे हो, बहुत सुंदर, तो ये करिए, और इसके साथ साथ हबीबगंज को भी प्राथमिकता दीजिए, और उसे पूर्ण करने के बाद अन्य योजनाओं को आगे बढ़ाइए। बंधुओं, आने वाले 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे महाराज भावना योग होना चाहिए, भावना योग होना चाहिए, और हमने भी सोचा चलो भोपाल में ये प्रवास है तो भावना योग हो जाएगा, और मैंने इन लोगों से कहा कि कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ उस स्तर से भावना योग संपन्न हो सके, तो ये मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कहने में कि ये भावना योग के लिए आपके टीटी नगर का स्टेडियम उपलब्ध हो गया। इस स्टेडियम की उपलब्धता में आपके नवनिर्वाचित सांसद और स्थानीय मंत्री विश्वास सारंग जी और सांसद आलोक शर्मा जी का अच्छा योगदान है, एक बार उनके लिए भी आप लोग अभिनंदन कीजिए।
और आने वाले 21 तारीख को प्रातः 6 बजे से यहाँ भावना योग होगा, और ये काम आपको करना है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आज शपथ लीजिए, एक एक आदमी 20-20 लोगों को मैसेज करेंगे। हम लोग 20-20 लोगों को मैसेज करेंगे कि सब काम छोड़कर 21 तारीख को सुबह 6 बजे स्टेडियम के प्रांगण में पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। आज से सभी लोग, चूंकि अब समय नहीं है, आज तो 15 तारीख बीत गया, 16 से 20 चार ही दिन है तुम्हारे हाथ में, 5 दिन। कोई चिंता नहीं करो, दिल में जगह सब बना देंगे। आप अपना काम कीजिए, अभियान छेड़िए, और केवल जैन नहीं, अजैन मित्रों को भी लाइए। आप लोग आए दिन देखते हैं कितने लोग लाभान्वित हुए। आज ही मेरे पास 3 महिलाएं और 1 पुरुष आए जो कैंसर से पीड़ित, और उन्होंने कहा कि हमें भावना योग से बहुत लाभ मिला है, हम स्वस्थ हैं। अगर सब हाँ, ये हैं, इनकी बहन जी थी, हाँ इनकी बहन जी अभी सभा में भी होंगे, आने वाले दिनों में उनको अवसर मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये काम हमें करना है, इसे अच्छे से फैलाना है। पिछले प्रवास में भी भावना योग का अच्छे से प्रवर्तन हुआ था, अब वो साकेत नगर में, पर ये सौभाग्य आप लोगों को मिला है कि टीटी नगर के इस स्टेडियम में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम संपन्न होगा। और जब मुझे जगह दिखाई गई तो मुझे लगा इस जगह को आँख मूंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, और हमको दूसरा स्थान भी दिखाया गया, मिंटो हॉल, जो पुरानी विधानसभा में, देख के आया, अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन मुझे लगा वो छोटा है। स्टेडियम स्टेडियम है, उसका आनंद है। तो बस अब आप लोगों को आज से ही अपने विभिन्न माध्यमों से मैसेजेस शुरू करना है कि भावना योग, अभिनव प्रयोग, और 21 तारीख विश्व योग दिवस, सबको पहुंचना है, सबको पहुंचना है, सबको पहुंचना है। अपने अपने तरीके से ये आप सूचनाएं दें, और उन व्यक्तियों को भी दें जो आपके मित्र हैं, परिचित हैं, चाहे वो आपके प्रतिष्ठान से जुड़े हैं, चाहे अन्य रूप से आपसे जुड़े हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। आप ये प्रयास कीजिए, निश्चित ये एक अच्छी प्रभावना का कारण होगा, और लोग एक जनोपयोगी साधना से परिचित होकर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। अमर ठाकुर जी के चरणों में, सत्संग चरणों में त्रिवार नमोस्तु। भगवान, हम और हमारी कमेटी आज अपना सौभाग्य मानती है कि आज आपके चरण हमारी व्यवस्थाओं के लिए, संयोजन के लिए आपका पधारना हुआ, निश्चित तौर से सौभाग्य की बात है। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत से लोगों ने पूछा होगा, हमने मेरे मन में भी बहुत समय से विचार है कि जैसे आज विधान में हम लोग खड़े होते हैं, हाँ बोलो बोलो, विधान में हम लोग खड़े होते हैं तो जेंट्स तो धोती दुपट्टे पहन के खड़े होते हैं और उनको अर्घ्य चढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। महिलाएं सामान्य तो साड़ी पहन के आती हैं, हम वो शुद्ध है अशुद्ध है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अर्घ्य चढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा है कि पुरुषों की शुद्धि और महिलाओं की शुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। व्यवस्था के अनुरूप काम करना होता, आपको अभिषेक करना है, आप सिर से नहाते, उनकी क्रियाएं अलग है, वो ऐसे करते हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अभिषेक तक की व्यवस्था अलग है और पूजा की व्यवस्था अलग है, दिमाग वहीं लगाओ जहाँ चले, नहीं तो परेशानी में फंस जाओगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रैक्टिकल है, अभी पुरुषों के लिए तो ठिकाना नहीं है मंदिरों में, इनकी कहाँ व्यवस्था करोगे। इसलिए जम सक्कम तम की रही, जो शक है वही करना चाहिए। हालांकि मैं महिलाओं को शिथिलता की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, उन्हें यथासंभव अपनी शुद्धि का पूर्ण पालन करना चाहिए, और बहुत सारी महिलाएं करती भी है, बहुसंख्यक महिलाएं करते रहना चाहिए। चलिए, और छोटी सी बात बोलना था, अनूप जी ने जो प्रश्न किया, बहुत समय से अनूप जी का प्रयास है, हमसे बोला है उनने, लेकिन हमारे सामने चूंकि लक्ष्य आपका आशीर्वाद से बड़ा था इसलिए वो पूरा नहीं कर पाए। हम नहीं, आप ये लक्ष्य बना, वो भी पूरा करेंगे और उसमें अनूप आगे आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल है। कल बैठ के इस पे भी बात करेंगे, उसकी भी रिक्वायरमेंट तो है ही, और आपके पास व्यवस्थाएं भी है। ठीक है, सोचने के बाद काम होता है, मैंने पंचायत से भी बहुत सारी बातें की है और वो लोग करना शुरू भी कर दिए हैं, तैयारी भी है। मैंने कहा तुम सोचो ये होगा तब फिर करेंगे, ये होगा तब करेंगे, लड़के की शादी हो जाए तब घर बनाएंगे, 20 साल लड़के की शादी नहीं हो तो बिना घर के रहोगे क्या, घर बनाओ तब लड़के की शादी होगी, आजकल तो ऐसी कोई लड़की नहीं देता है ना।
तो ये चीजें हैं, इसलिए चीजें जो हो जाए सो हो जाए वाली बात होनी चाहिए। महाराष्ट्री हमारे बीच में गुणायतन परिवार से ही श्रीमती रश्मि जी जैन और संतोष जी जैन है, आपका विशेष आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलना चाहिए जो गुणायतन परिवार के ही है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके इन दोनों का अपन अभिनंदन करें, आए और महाराष्ट्री से आशीष पा रहे हैं रश्मि जैन और संतोष जी जैन। चलिए और अगला प्रश्न कर रहे हैं नितिन नांदगांवकर। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये महाराष्ट्र कि यहाँ पर क्रिश्चियंस आए, उनके पास में कुछ भी नहीं था जब आए, तो उन्होंने पहले व्यापार में प्रवेश किया और उसके पश्चात शिक्षा और स्वास्थ्य दो क्षेत्र चुने और उसके माध्यम से पूरे देश में छा गए वो लोग, वो पूरे विश्व में छा गए। तो हमारे यहाँ पर दिगंबर जैन परंपरा में भी जो है विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होते, मेरे ख्याल से 1,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होता होगा। अगर 1% राशि भी जो है ऐसी संस्थाओं को मिले जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है, तो उसमें हमारे हजारों सैकड़ों बच्चे जो है वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ में मैं यहाँ पर बता दूँ आचार्य श्री विद्यासागर संस्थान की ओर से जो हम करवा रहे हैं JEE और नीट के कार्यक्रम, उसमें जो बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं AVM स्कूल के, उसमें वो लोग भावना योग करते हैं महाराष्ट्र और मंदिर भी डेली जाते हैं, तो संस्कार के साथ में शिक्षा का ये हो। आपका सुझाव अनुकरणीय है, ये पहल होनी चाहिए। हमारी समाज में पहले ये परंपरा थी, हर गांव शहर में जहां 150 जैन परिवार रहते थे वहां अपना एक स्कूल था जैनों का और एक औषधालय था, बहुत अच्छे से चलता था और बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण विद्यालय माना जाता था। कल आपके सांसद ने कहा मैं जैन स्कूल का विद्यार्थी, मैं भी जैन स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैं जैन स्कूल में ही पढ़ा और उस जमाने में यहाँ के जैन स्कूल का नहीं। हाँ मैं तुम कहो हुकुमचंद जी कह रहे क्या हो गया महाराज यहाँ कहाँ से आ गए, अपना नाता जल्दी जोड़ लेते हैं लोग। लेकिन उस जमाने में जैन स्कूल इतना प्रतिष्ठापूर्ण संस्थान माना जाता था कि लोग पैरवी करके स्कूल में भर्ती होते। 80 के दशक के बाद से एक बदलाव चालू हुआ, अंग्रेजी माध्यम और CBSE के पाठ्यक्रम का चलन बढ़ गया। हमारी संस्थाओं ने समयानुरूप परिवर्तन नहीं किया, नतीजा हम पिछड़ते गए, आउटडेट हो गए और आज कॉन्वेंट्स प्रणाली को बढ़ावा मिल गया, हमारे इस विद्यालय खाली। और ये केवल जैनों के साथ नहीं बल्कि अनेक शासकीय विद्यालय जिनमें कभी 2,000 विद्यार्थी रहते थे अब 50 विद्यार्थी नहीं मिलते। तो हमें समय के अनुसार अपडेट होना चाहिए, अगर समय के अनुसार हम अपडेट नहीं होंगे तो हमारा वही हाल होगा जो फिल्म बनाती थी ना, क्या नाम था उस कंपनी का, कोडेक। कोडेक कंपनी एक टाइम में दुनिया की नामी कंपनी थी, डिजिटलाइजेशन के समय उनने अपने में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोडेक कंपनी का 12 बज गया। नोकिया ने अपडेट नहीं किया, उनका हाल बेहाल हो गया। तो यही हाल समाज के साथ है, चूंकि आज के समय में एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई, बहुत कठिनाई है इसके संचालन में, इसे बढ़ावा देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे मानस में हैं, हो सकता है जल्दी शुरू हो और भोपाल से ही उसकी शुरुआत हो। महर्षि आपके आशीर्वाद से अगर, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ एक सुझाव, सबसे पहला काम अगर समाज करे तो देश भर में जितने भी जैन विद्यालय चल रहे हैं उनके साथ हम एक कोलेब्रेशन करें और उनको अपडेट करें समय के अनुसार। राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम बने, हम उनको सहयोग दें, वही संचालन करें, वही सब कुछ करें, पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनके पास है ही, समय के अनुरूप बदलाव करना है और सरकारी अनुदान पर निर्भरता खत्म करें। अरविंद भाई विद्यालय में कभी तुम्हारे यहाँ भी लाइन लगती थी, अभी क्या पोजीशन है मुझे नहीं मालूम, खाली हो रही है, हालत तो सब जगह की खराब है, वो अकेले उसकी नहीं, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना चाहिए। कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवनों की ही आज करोड़ों की कीमत है, यदि हम उनका ही सही उपयोग करें और बड़ी सोच लेकर चले
जो जो उन संस्थानों का संचालन कर रहे हैं उसके पदाधिकारी है, थोड़ा लंबी लाइन करने की बात सोच ले तो समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो सकती है, थोड़े इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फल मिल सकता है। ये प्रयास करना चाहिए और इसके लिए एक पहल करनी चाहिए। अभी अभी मेरे मन में विचार आ रहा है, आपको उत्तर देते देते, कि देश भर के सारे शिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण होना चाहिए, कितने जैन शिक्षण संस्थान, और उनको एक बार बुलाकर उनका सम्मेलन करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों का, और उनके मध्य इस विषय को रखकर व्यापक विचार मंथन करना चाहिए और कोई ठोस निर्णय लेकर नई शुरुआत करनी चाहिए तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, हम लोग इसके लिए प्रयास करें। अब मेरे मानस में आ गया, जब निमित्त आएगा तो जल्द जरूर साकार होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू करें और इस अभियान में जो हिस्सा बनना चाहते हैं वे मुझसे संपर्क करें कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों के पास बातें करने वाले बहुत लोग आते हैं, हम देखते हैं, हम लोगों का समय भी बहुत ले लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बातें आती हैं, नितिन तो उसमें शायद शामिल नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की बात कह रहा हूँ, लेकिन और जब काम करने की बातें आती है तो सब किनारा काट जाते हैं। नहीं, सवाल बातें का नहीं, बातों का नहीं है, सवाल काम करने का है। हम काम करें, काम के क्षेत्र में आगे आए, तब हमें अच्छा परिणाम होगा। समय आप सबका हो रहा है, आज टीटी नगर के इस प्रांगण में एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ आने का योग बना और आज का ये शंका समाधान तो आपको मिला ही। कल प्रातःकाल का प्रवचन भी इसी स्थान पर होगा और कल के शंका समाधान का कल आपके बीच कहा गया था कि रविंद्र भवन में होगा। कल कुछ असुविधा है इसलिए कल का शंका समाधान आपको ही मिलेगा और आगे का कार्यक्रम कब होगा, क्योंकि 21 तारीख आपके यहाँ होना है तो बता दिया जाएगा। और इस बीच आपकी 9 वेदियों का शिलान्यास होना है। अभी मुझे बताया गया कि कुछ भगवान अभी बाकी हैं और वेदियाँ तो एक भी आरक्षित नहीं हुई, चाहे वो मूल नायक की हो चाहे अन्य वेदियाँ। टीटी नगर का मंदिर बन रहा है, सैकड़ों साल तक रहेगा। ऐसे जिनालय में जिन्हें अपना योगदान देना उत्कृष्टतम योगदान दे और जिन्हें वेदी मूर्ति में किसी भी रूप में अपना योगदान देना है, आप कमेटी से संपर्क करें और कमेटी से संपर्क करके ये सुनिश्चित करें, हो सकता है 1-2 दिन की सूचना में आपसे उसका शिलान्यास कराया जाए। और मैं तो यही भाव रखूँगा कि जल्दी शिलान्यास हो, कमेटी तत्परता से काम करे और शीघ्रातिशीघ्र इस जिनालय का भव्य स्वरूप तैयार हो और आप उत्साह उमंग और उल्लास के साथ भरकर इसका पंच कल्याणक संपन्न करें। आज बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं और ये टीटी नगर तो प्रशासनिक अधिकारियों का ही नगर है। आज बहुत से लोग छूट गए तो हमने तो कहा अच्छे छूट गए, आज ही निपट जाएंगे तो कल कहाँ से आएंगे, इसलिए इनको लटका के रखने में फ़ायदा है और रोज़ रोज़ आते रहे, क्रम बना रहे तो चलता रहेगा। लेकिन ये प्रयास सबको करना है, हम सब लाभान्वित हों ये कोशिश करें। मैं चाहूँगा आप लोग तो कहीं पर भी आ करके लाभान्वित होते। पवन जी ने पिछली बार भी बहुत अच्छी पहल की थी, इस बार भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे शख्सियतों को इस मंच पे लाइए जिससे उनके माध्यम से देश में अच्छा संदेश जाए। हमारे पिछले प्रवास के कुछ शंका समाधान के सत्र बहुत चर्चित हुए, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने उसे पसंद किया। इस बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कल आर रघुरमन जी का एक विशेष सत्र होना था जो मैनेजमेंट फंडा दैनिक भास्कर में लिखते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर है, उनका कार्यक्रम था, उनकी स्वीकृति भी थी लेकिन वेन्यू सुनिश्चित नहीं होने के कारण उस कार्यक्रम को टाल रहे। बहुत जल्दी उसकी भी सूचना आपको मिलेगी और यदि कुछ हुआ तो कल सुबह आपको और परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक की सूचना के अनुसार कल का प्रवचन और शंका समाधान कल का रविवार टीटी नगर के नाम पर होगा। यहीं पर विराम, बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर से विद्यार्थी।